के बलदुराम नरेटी ने चुनाव में टिकट के लिए किया आवेदन। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस से टिकट की दावेदारी के लिए पीसीसी ने 17 अगस्त से 22 अगस्त तक अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत सभी विधानसभा से टिकट के लिए दावेदारी करने वाले कांग्रेसी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के पास आवेदन जमा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अन्य विधानसभा सीटों के साथ साथ बस्तर संभाग के 12 सीटों में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं और आवेदन जमा कर रहे हैं। भूपेश बघेल को मिला बर्थडे गिफ्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी उनके समकक्ष और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए जन्मदिन का गिफ्ट थी। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिस भी राज्य में इलेक्शन होने वाले हैं वहां ईडी की रेड होती रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव आ रहे हैं। आज भूपेश बघेल का जन्मदिन है इसलिए ईडी ने उन्हें गिफ्ट दिया है। जेडीयू लोकसभा चुनाव की तैयारी का फूका बिगुल। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर जेडीयू भी अभी से पार्टी को मजबूत और रणनीति बनाने में जुट गई है। जेडीयू की ओर से बुधवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का लिस्ट जारी किया गया है। इसमें ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंगनीलाल मंडल को उपाध्यक्ष बनाया गया है, केसी त्यागी को विशेष सलाहकार सह मुख्य प्रवक्ता बनाया गया है, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है और रामनाथ ठाकुर को महासचिव बनाया गया है। वहीं इस लिस्ट में 98 सदस्यों को पद दिया गया है। जो ताड़ी शराब से बैन हटाए उसे वोट दो। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के बयान पर हंगामा शुरू हो गया है। मांझी ने कहा था कि जो ताड़ी शराब से बैन हटाए उसे वोट दो। अब उनके इस बयान पर सीएम नीतीश कुमार के तीन तीन मंत्रियों ने बुधवार को पलटवार किया है। लैंडिंग के सवाल पर बगल में खड़े मंत्री से पूछने लगे नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश के सबसे बड़े परीक्षा परिसर वापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। परीक्षा परिसर में उन्होंने पौधारोपण भी किया। वापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन करने के बाद परीक्षा परिसर का नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। इस पूरे कार्यक्रम के बाद नीतीश कुमार जब मीडिया से बात कर रहे थे तो वे चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर किए गए सवाल शायद समझ नहीं पाए और वे अपने बगल में खड़े जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी से ही पूछने लगे। डीसीडब्ल्यू चीफ ने डीसीपी साउथ को लिखी चिट्ठी। दिल्ली सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा एक नाबालिग लड़की का रेप करने का मामला सामने आने के बाद में सुर्खियों में है। इस मामले में आरोपी अधिकारी और उसकी पत्नी की गिरफ्तारी के बाद भी यह मामला शांत नहीं हुआ है। अब दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के एक अधिकारी द्वारा मित्र की नाबालिग बेटी से रेप के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में मुहैया कराने को कहा है। सर्वमान्य नेता तो गांधी जी भी नहीं थे। भोपाल मध्य से प्रत्याशी बनाए गए ध्रुव नारायण सिंह ने मीडिया से चर्चा करते हुए एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने खुद के विरोध पर कहा, सर्वमान्य नेता तो गांधी जी भी नहीं थे। 39 प्रत्याशियों की मीटिंग में शामिल होने के लिए आए ध्रुव नारायण सिंह का कहना है कि चुनाव में विरोध और समर्थन तो चलता रहता है, सर्वमान्य नेता तो गांधी जी भी नहीं थे। एमपी के कांग्रेस विधायक की बड़ी मुश्किलें। महाराष्ट्र बीजेपी नेता सना खान हत्याकांड में मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस विधायक की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कांग्रेस विधायक संजय शर्मा को पूछताछ के लिए नागपुर पुलिस ने नोटिस देकर बुलाया है। वहीं इस मामले में जबलपुर से एक पिता पुत्र की गिरफ्तारी भी हुई है। अब इस प्रकरण में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। हालांकि हत्या के 20 दिन बाद भी सना खान का शव नहीं मिला है। ISRO के वैज्ञानिकों को 17 महीने से नहीं मिला वेतन। भारत अपने तीसरे चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के जरिए इतिहास रचने से कुछ घंटे दूर है। आज शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 के चांद पर सफल उतरने की उम्मीद है। इस मिशन की वजह से हर तरफ इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ हो रही है। वहीं इस बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि जिन वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने का प्रयास किया है उन्हें 17 महीने से वेतन नहीं मिला है। आज भारत विश्व में निवेश की पसंदीदा जगह।
राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत का उदयपुर में चल रहा दो दिवसीय नवा सम्मेलन समाप्त हो गया है। इसमें सीपीए को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उनके पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सम्मेलन के समापन सत्र को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत विश्व में निवेश की पसंदीदा जगह है। हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सांसद और विधायकों को कुछ विशेष अधिकार मिलते हैं जिनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। सरकारी स्कूल के स्टाफ रूम की गिरी छत। पंजाब के लुधियाना में बदोवाल में सरकारी स्कूल के स्टाफ रूम की छत गिर गई। इस हादसे में 4 शिक्षक छत के नीचे फंस गए हैं, जिसमें से 2 शिक्षक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 2 अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं। उनमें से एक की मौत हो गई है और दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक मलबे के नीचे से निकाले गए 2 शिक्षक घायल हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। 17 साल के लड़के ने कर दी अपनी माँ की हत्या। महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने अपनी माँ को अपने मोबाइल फोन से किसी को मैसेज करते देख उसकी कुल्हाड़ी मारकर कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस ने मंगलवार 22 अगस्त को यह जानकारी दी। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बैंकों के सामने बड़ा नकदी का संकट। आने वाले दिनों में बैंकों में डिपॉजिट रखने पर आपको और ज्यादा ब्याज मिलने के आसार हैं। सरकार से लेकर निजी बैंक डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए एफडी से लेकर रेकरिंग डिपॉजिट्स पर ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान कर सकते हैं। वजह है बैंकों के सामने नकदी का संकट। दरअसल वित्त वर्ष 2023-24 में पहली बार बैंकों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में नकदी की सप्लाई बढ़ाने के लिए बैंक डिपॉजिट पर ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकते हैं। केएल राहुल को लेकर भड़के श्रीकांत। भारत ने एशिया कप 2023 के लिए टीम घोषित कर दी है। भारतीय सिलेक्टर्स ने केएल राहुल को भी टीम इंडिया में जगह दी है। राहुल चोट की वजह से लंबे वक्त क्रिकेट से दूर रहे, लेकिन अब वे नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। राहुल ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काफ़ी मेहनत की है, लेकिन पूर्व भारतीय क्रिकेट श्रीकांत BCCI के इस फैसले से खुश नहीं है। श्रीकांत का कहना है कि अगर सिलेक्शन के दिन कोई खिलाड़ी पूरी तरह से फिट नहीं है तो उसे टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। राखी सावंत के खिलाफ राशि ने फाइल किया केस। राखी सावंत की बेस्ट फ्रेंड ने उनके खिलाफ कंप्लेन करते हुए कहा कि वह जल्द ही राखी के लिए कई राज से पर्दा उठाएंगी। इस खबर को सुनने के बाद राखी सावंत ने कहा कि उसने मेरा हमेशा मुश्किल वक्त में साथ दिया है और मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ी रही हूँ। राशि हमेशा मेरी बेस्ट फ्रेंड रहेगी, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से मैं सदमे में हूँ। राखी ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मेरी लाइफ में क्या गड़बड़ चली जा रही है। हीथ स्ट्रिक के निधन की खबर निकली फेक। जिम्बाब्वे टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर हीथ स्ट्रिक की 49 साल की उम्र में कैंसर की वजह से निधन की खबर सामने आने के बाद पूरे क्रिकेट जगत में एक शोक की लहर देखने को मिल रही है। वहीं इसी बीच स्ट्रिक के निधन की खबर देने वाले उनके पूर्व साथी खिलाड़ी हेनरी ओलंगा ने अब इस खबर को पूरी तरह से फेक बताया है और जानकारी दी है कि स्ट्रिक जिंदा और इस बात की पुष्टि उन्होंने खुद उन्हें मैसेज करके की है। चंद्रयान 3 मिशन पर बोले पाकिस्तानी। इस वक्त भारत के चंद्रयान 3 मून मिशन को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। हर किसी की नजरें भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर टिकी हुई है। इसको लेकर भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी उत्सुक नजर आ रहा है। हाल ही में जब पाकिस्तानी यूट्यूबर शोएब चौधरी ने आवाम के बीच जाकर इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन पर प्रतिक्रिया ली तो पाकिस्तानियों ने कहा कि इंडिया तरक्की कर रहा है, वो आगे जाएगा। अफगानिस्तान में 200 पूर्व सैन्य अधिकारी मारे गए। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे को 2 साल बीत चुके हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के अनुसार तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान की पूर्व सरकार में काम करने वाले 200 से ज्यादा अधिकारियों की हत्याएं हो चुकी हैं। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन ने 2 साल पहले तालिबान के अधिग्रहण के बाद अपनी पहली रिपोर्ट में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के 800 मामलों को शामिल किया है, जिसमें मनमाने ढंग से गिरफ्तारी और हिरासत, यातना और जबरन गायब होना शामिल है। ब्राजील में एक दर्दनाक घटना। में स्कूली छात्रा की मौत हो गई। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 16 अगस्त को रियो डी जनेरियो के पास
नोवा फ्राई वर्गो में एक स्कूली छात्रा बस की खिड़की से सिर को बाहर निकालकर दोस्त को इशारा कर रही थी। हालांकि ठीक उसी वक्त बस चालक ने सड़क पर ट्रैफिक से बचने के लिए गाड़ी मोड़ दी, जिसकी वजह से लड़की का सिर रोड के किनारे लगे कंक्रीट के खंभे से टकरा गया। पाकिस्तान में नकदी की तंगी से जूझ रही सरकारी एयरलाइन ने मशीन पार्ट्स को बदलने के लिए पैसा न होने की वजह से अपने 3 बोइंग 777 सहित 11 विमानों को सेवा से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक अधिकारी ने कहा कि शीर्ष प्रबंधन ने पिछले 3 सालों में 11 प्लेनों को परिचालन से बाहर कर दिया है, क्योंकि एयरलाइन इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और डॉलर सहित पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बढ़ती कीमत की वजह से कोई मदद नहीं मिल सकी। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।